Welcome back to another video of Constitution of Pakistan 1973 series. आईने पाकिस्तान के पहले 110 आर्टिकल्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं. अभी बात करते हैं आर्टिकल 111 की, जो कि है राइट टू स्पीक इन असेंबली, यानी असेंबली में तकरीर करने का या बोलने का या खिताब करने का हक. ठीक है, तो अब वो क्या है देखते हैं. द एडवोकेट जनरल शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली और एनी कमेटी देयर ऑफ ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर बट शैल नॉट बाय वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल बी इंटाइटल्ड टू वोट. यानी एडवोकेट जनरल को सूबाई असम्बली या इसकी किसी कमेटी में जिसका इसे रुकन नामस्त कर दिया जाए, मतलब जिस भी कमेटी का उसे रुकन बना दिया जाए, तकरीर करने और बसूरत देकर इसकी कार्रवाई में हिस्सा लेने का हक होगा. ठीक है, मतलब वो वहाँ पे उस कमेटी में तकरीर भी कर सकता है और वहाँ पे जो है वो हिस्सा भी ले सकता है उसकी किसी भी कार्रवाई में, लेकिन इस आर्टिकल की रो से वो वोट देने का मुस्तहिक ना होगा. देखो, वो स्पीच भी कर सकता है यानी तकरीर कर सकता है. ठीक है, वो वहाँ पे जो है पूरी जो प्रोसेस है, जो भी प्रोसीजर है, उसमें पूरी कार्रवाई में वो हिस्सा भी ले सकता है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, वो वहाँ पे वोट नहीं दे सकता. ठीक है, अगर मतलब वहाँ पे पूरी कमेटी में कोई किसी चीज़ के बारे में वोट लिया जा रहा है कि आया कोई करारदाद मंजूर करनी है, करारदाद मैं जस्ट आपको इस सेंस में कह रही हूँ कि आपको बात समझ आ जाए. ठीक है, वरना कमेटीज इस तरह से करारदाद तो मंजूर नहीं करती है ना. ठीक है, मतलब कोई भी बात जिस पे उन वो वोट ले रहे हों कि कौन सा फैसला ठीक है या कौन सा गलत है, तो वहाँ पे वोट नहीं दे सकेगा. ठीक है, बाकी सारा जो काम है वो कर सकता है. ठीक है, तो ये था हमारे पास आर्टिकल 111.